कैसे कैलकुलेट किया जाता है वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। पहले तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होता क्या है, अगर हमारे पास एक शाफ्ट है, एक सिंगल शाफ्ट, और ये शाफ्ट के ऊपर अगर एक से ज्यादा पुली हम लोग ने माउंट कर दिया, पुली जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में रहेगा, तो अगर एक ही शाफ्ट पे एक से ज्यादा पुली है तो वो होता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। और उसमें मैं आपको देता हूं एक सिंपल फॉर्मूला, अगर मान लो हमारे पास चार पुली है तो फॉर्मूला होता है N4/N1। N4 मतलब क्या, स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन, सपोज वो RPM में, अपॉन N1 यानी क्या, स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर। सो स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर इज इक्वल टू न्यूमरेटर में सामने मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर्स। तो ड्राइवर कौन होते हैं, ऑड नंबर जैसे D1 D3, और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्रिवन, ड्रिवन कौन होता है, इवन नंबर जैसे D2 D4। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, N4/N1 इज इक्वल टू D1 × D3/D2 × D4। तो ये हो गया फोर पुली सिस्टम के लिए। लेकिन अगर यही सपोज 10 पुली है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N10/N1 यानी स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर्स ऑफ ड्राइवर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर्स ऑफ ड्रिवन। तो इस तरह से कितने भी पुली रहने दो, हम लोग कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं।